नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, SSC GD और दिल्ली पुलिस की जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई गई थी, जिसमें टोटल 21 वीडियो आने वाली है ना, इसके तहत आज ये आप 20वीं वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 19 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और 19 ही वीडियो में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपके 80 से 90% क्वेश्चन जो है टकरा गए, जैसा कि आप जानते ही हैं। आज दो क्लास आपका बाकी है, ये 20वां क्लास है, एक और वीडियो आएगा इसके ऊपर, बाद बाकी ये क्लास आपका बंद हो जाएगा, फिर दूसरा कुछ लाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। तो जो बच्चे कोई सा भी एग्जाम देना है जिनको, सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं जो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के ग्रंथि में एंजाइम का स्राव होता है? एंजाइम का स्राव और आपने एक हार्मोन का स्राव, ये दोनों अपने शरीर के अंदर होती है। एक तो एंजाइम ग्रंथि जो है रिलीज करता है और कुछ ग्रंथि जो है हार्मोन रिलीज करते हैं। तो आपको है ना क्वेश्चन किया गया है कि किस प्रकार के जो आपका ग्लैंड्स हैं जहां से एंजाइम निकलती है। तो जो भी बहिस्रावी ग्रंथि होंगे, बहिस्रावी ग्रंथि होंगे, वो आपका क्या निकालता है भाई? वो निकालता है आपका एंजाइम। क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हमेशा हार्मोन का स्रावन करता है। आज के बाद गांठ बांध के इस चीज को याद कर लीजिए, अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आ पड़ते हैं। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? एक नलिका होता है, क्या, सॉरी, नलिका विहीन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसमें कोई भी डक्ट नहीं होते हैं, कोई भी नलिका नहीं होता है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जहां पे आपका हार्मोन रिलीज करेगा वहीं पर यह ब्लड को दे देता है, ब्लड में मिल जाता है। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल रास्ता नहीं बनाया गया है। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए हार्मोन जो है पूरा शरीर पे इफेक्ट डालता है, जबकि एंजाइम जो है उसका किसी एरिया मात्र में काम होता है। ठीक है मेरे भाई, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है आपका हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में डक्ट नहीं होता है, मतलब कोई भी नलिका नहीं होती है, पाइप नहीं होती है, इसी कारण यह हार्मोन को रक्त में मिला देती है एट अ टाइम। इसके अलावा जो बहिस्रावी ग्रंथि है इसमें क्या होता है, एक नली लगी होती है, डक्ट लगी होती है, और उस डक्ट के सहायता से है ना एंजाइम को जहां चाहिए वहां पर पहुंचाता है। ठीक है, जहां जरूरत है वहां पे। मैंने कहा कि हार्मोन के पूरे शरीर इफेक्ट होता है हार्मोन से, एंजाइम से उस पार्टिकुलर भाग पे ही काम किया जाता है जहां उसकी जरूरत। तो बहुत सारे एंजाइम शरीर में निकलते हैं। इसके अलावा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका क्या है, लीवर है, यकृत है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर कहेगा तो अवटू है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि कहेंगे तो ये अग्नाशय होता है, और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष होता है। ये वाली जो आपका बिंदु दिख रहा है स्क्रीन पे अभी टॉप में, इसमें आपके 4-5 प्रश्नों के उत्तर हैं। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है मानव शरीर का, तो आप लीवर बताते हो। लीवर की अपने आप में विशेषता है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लेकिन बच्चे पित्ताशय सुन के सीधे पित्ताशय टिक कर देता है। अरे पित्ताशय में जाके जमा होता है ना, वो एकमात्र थैली है, बाद बाकी निकालने का काम जो है पित्त का, ये यकृत से होता है। इसके अलावा अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अवटू। अभी आपने अंतःस्रावी ग्रंथि का फार्मूला डिफिनेशन देखा कि यह हार्मोन का स्राव करता है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। अब अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण करता है। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, है ना, एंजाइम और हार्मोन ये दोनों का जो है स्राव होती है आपका कहां पे? पंक्रियाज के अंदर। इसीलिए इसे जो है ना मिक्स्ड ग्लैंड का संज्ञा दिया गया है, और वो भी शरीर में सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, पीयूष ग्लैंड जो है ये शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड होती है, जो खोपड़ी में होता है, खोपड़ी, ये खोपड़ी है ना, उसमें होती है। ठीक है, पीयूष ग्लैंड, इसे मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहती है। पीयूष ग्लैंड से काफी जो है आपके हित वाला चीज का जो है रिलीज होता है, ये मैं आगे बात करूंगा इसी स्लाइड में। चलते हैं, है ना, यहां पे अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है जो शरीर में शर्करा को बैलेंस करती है। एक पॉइंट ये भी आपको नोट करना है, वो तो हर पॉइंट ही नोट करने के लिए है, क्योंकि आपको पता है मैं कोई भी फालतू की चीज ना लिखूंगा ना पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है। टाइम होता तो मैं 4-5 क्लास रोज नहीं करा देता, है ना। अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन होती है, ये तो आप भी समझते हैं, है ना, और ये इंसुलिन के कमी
इससे क्या हो जाता है, मधुमेह रोग होती है। जब आपका शर्करा का लेवल शरीर में बिगड़ेगा तो शुगर की बीमारी हो जाता है, जिसमें घाव वगैरह हुआ तो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसके अलावा उसको जलेबी उलेबी खाना मना रहता है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन लाइपेज एमाइलेज नामक एंजाइम भी निकलता है। अभी आपने इंसुलिन नामक हार्मोन भी पंक्रियाज से निकाला था, अब अग्नाशय यानी पंक्रियाज से ही ट्रिप्सिन लाइपेज और एमाइलेज नामक हार्मोन ही निकालते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में काम करता है, जैसे मैंने इन सब के बारे में आपको बता रखा है कि ट्रिप्सिन किस पे काम करता है, लाइपेज एमाइलेज पेप्सिन रेनिन ये सब किस पे काम करता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि जो मानव मस्तिष्क में होती है, इसी ग्रंथि से ऑक्सीटोसोन हार्मोन निकलता है। इसके अलावा वृद्धि हार्मोन, इसे एसटीएच भी कहते हैं, ये भी निकलता है। एडीएच हार्मोन का स्राव होता है, एडीएच हार्मोन का, ठीक है। तो ये सभी के सभी कहाँ से होते हैं मेरे भाई, पीयूष ग्रंथि से होती है, जो सबसे छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुरुख लोक नृत्य किस राज से संबंधित है। देखिए कुरुख लोक नृत्य भी है, ये जनजातीय लोक नृत्य है, कुरुख भाषा भी बोले जाते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। दोनों का आंसर लगभग झारखंडी होगा, भाषा एक से अधिक इलाके में बोले जा सकते हैं, लेकिन कुरुख जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, जो नृत्य है, ये आपका कहाँ होता है भैया, ये झारखंड के अंदर होती है, ठीक है। तो इसे झारखंड याद रखिएगा, है ना। मैं आपको प्योरली SST बेस्ड कंटेंट देता हूँ, जो आपको SSC जो एकदम मथ के कोई भी चीज़ निकालता है ना, वैसे ही आपको देने का प्रयत्न करता हूँ, और लकली एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। तो जो बच्चे को मन में ये डॉट होते हैं कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, हाईवे की तैयारी कर रहा हूं, राज्य सरकार की कर रहा हूं, तो क्या आपका क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, और मैं सिंपल सी है ना लाइक कर देता हूं, नहीं लिख मतलब कितने को लिखूं, समझना चाहिए आपको खुद ही। अगर ये सोच डेवलप्ड नहीं है तो आप एग्जाम में पकड़ नहीं पाओगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से लाता है, क्या क्या आ सकता है, क्या आई है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आप जान लीजिए कि कहीं भी मैं SSC के टॉप लेवल की जो है तैयारी आपके अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवाता हूँ, उसके नीचे सभी एग्जाम हवा में उड़ जाएंगे जी। अब पढ़ के तो देखो, थोड़ा दिन विश्वास करके तो देखो, जो बच्चे पहले किए हैं वो तो जानते होंगे, है ना मेरे भाई। इसके अलावा झारखंड के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे तो झूमर, झूमर मर्दानी, मर्दानी मुंडारी संथाली जननी डोमकच लहसुआ पेनकी, ये सभी कहाँ पे मिलेंगे आपको, झारखंड के अंदर मिलेंगे, झारखंड के अंदर मिलेंगे। इनके अलावा झारखंड में प्रमुख त्यौहार रोहिणी है, सरहुल है, ये सरहुल त्यौहार जो है आदिवासी वाला त्यौहार है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में प्रमुख जनजातीय त्यौहार कौन सा है, तो सरहुल होता है। ये रोहिणी त्यौहार जो है ये फसल वाला त्यौहार है, क्या वाला है, फसली त्यौहार है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो झारखंड है ये बिहार से अलग हुआ था, 3 स्टेट एक ही ईस्वी में, कब, कौन कौन, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है मेरे भाई, 2000 में। फिर अंतिम बार जो स्टेट अलग हुआ ये 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। अंतिम बार जो भाषाओं को जगह मिला ये 2004 में बोडो मैथिली संथाली डोगरी को मिला था, है ना, 92वां संविधान संशोधन। अंतिम बार जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश में घटत और वृद्धि हुई ये जम्मू कश्मीर को बनवाया गया 2019 में, दुग केंद्र शासित बना, है ना, प्रदेश बना, है ना। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखें जो अंतिम बार हुआ है, क्योंकि ये भी आ जाता है। इसके अलावा झारखंड में तिलैया बांध, ये बराकर नदी पर है, ये अभी हाल में पूछा भी गया है। बराकर नदी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बराकर नदी और बराक नदी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन नदियां अलग हैं। बराक नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों में से है, बराक सुबनसिरी लोहित देवांग मानस, इसके अलावा और भी आएंगे तो लोहित बराक, इतना जो है और भी है ऐसे, लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं 5-6 बताया अभी। ये आपको जो है ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है, और बराकर जो है ये आपका दामोदर का सहायक नदी है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात, ये भी झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा झारखंड में जादू गोरा यूरेनियम के लिए, सिंहभूम लोहा के लिए, झरिया कोयला के लिए, कोडरमा अवरक के लिए प्रसिद्ध है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये भी झारखंड में है, लेकिन सेम नाम खाली इंटरनेशनल लगा देगा, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल
हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ पे हो जाएगा फिर, ये राउरकेला ओडिशा के अंदर हो जाएगा, जहाँ पे आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ। इसके अलावा जो झारखंड में आपने बिरसा मुंडा देख लिया है ना, इसके अलावा जो हमारा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं टाइम लेके पीडीएफ स्कीम के बारे में बता देता हूँ, फिर हम आगे निकल जाएंगे है ना। पीडीएफ स्कीम हमारा है कि एसएससी और टॉपिक वाइज का अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो 25 रुपया कॉस्ट है। एसएससी टॉपिक वाइज और जीडी जो आइए सीरीज देख रहे हैं, एसएससी 21 सीरीज का और मिलेगा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मात्र 40 रुपये में, यानी मात्र 15 रुपये खर्च करने वाले ऊपर वाले स्लाइड से, तो नीचे वाले भी 21 क्लास का मिल जाता है। बिहार एसएससी एसआई टॉपिक वाइज लेते हैं तो 35 रुपये हैं, बिहार एसएससी एसएससी टॉपिक वाइज ये सभी तीनों लेते हैं तो 60 रुपया है, और इसमें जो आप क्लास देख रहे हैं इन तीनों के अलावा 21 क्लास और लेते हैं तो 70 रुपया है। तो आपको जैसा आपकी रिक्वायर्ड है ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाएंगे, मैसेज करेंगे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 में महाराष्ट्र को कितने स्वर्ण पदक मिले थे, है ना। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम के अब तक 3 सीजन हुआ है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाता है कि पहला सीजन कहाँ हुआ है। देखिए खेलो इंडिया के तीनों सीजन जो है ना, तीनों सीजन गुलमर्ग में हुआ। यहाँ पे आपके सामने तीनों सीजन का जो है मेजबान शहर है गुलमर्ग है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर है ना, और तीन बार में से है ना तीनों बार विजेता भी जम्मू कश्मीर ही है, ये भी एक जो है इत्तेफाक है। वो बोलते हैं ना अपने घर में सभी शेर है ना, तो वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि तीनों बार वहाँ मेजबान भी कराए और तीनों बार विजेता भी रहे जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया विंटर गेम्स के। आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड कप अभी हारा है इंडिया, तो आप पिछले कई सत्र से देख रहे हैं, मतलब दो वर्ल्ड कप से देख रहे हैं, सत्र नहीं कह सकते हो, कई साल से देख रहा हूँ, मतलब दो स्पल मतलब आठ साल से। तो 2015 में वर्ल्ड कप जिसके घर में हुआ वही जीता, 2019 में वर्ल्ड कप जिसके घर में हुआ वही जीता, तो हम लोग श्योर भी हो गए थे कि हमारे घर में है तो हम जीत ही जाएंगे, तो ज़्यादा श्योरपन भी ना खराबी करता है, ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए हार गए। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख लिए कि तीन बार हुआ गुलमर्गा में, तीनों बार का विजेता कश्मीर है, उप विजेता इस बार का जरूर याद रखिएगा महाराष्ट्र है, यानी सेकेंड स्थान पर जो रहता है उप विजेता रहता है, महाराष्ट्र को यहाँ पर 13 गोल्ड मिला है, क्योंकि हमने 36वें राष्ट्रीय खेल और 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम से अलग अलग पार्टी दसों बार एग्जामिनर को देखे हैं कि फला को कितना गोल्ड मिला, ठीक है। तो आपको मैं इस भाषा में क्वेश्चन प्रस्तुत किया हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण 2018 दिल्ली में हुआ था, खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से बाद में 19 में जो है यूथ को हटा के स्कूल शब्द का मेंशन किया, सॉरी स्कूल को हटा के यूथ शब्द का मेंशन किया गया। 2023 में पांचवा संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है, इसके विजेता महाराष्ट्र रहा है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण 2020 में हुआ था, 2023 में यह तीसरा संस्करण यूपी में हुआ है, विजेता आपका पीयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। खेलो इंडिया महिला लीग जो था ना उसका नाम बदलकर अब अस्मिता लीग हो गया है, करंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है महिला से संबंधित है, मैंने आपको बता रखा है पर्यावरण से संबंधित, महिला से संबंधित, बच्चा से संबंधित या फिर जनहित में कोई भी बात हो जो सब पे लागू होता हो, तो ऐसी चीज जो है आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के विजेता जो है ये कौन बने हैं, महाराष्ट्र बने हैं है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, और उपविजेता सर्विसेज टीम बने हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक दिल्ली इज नॉट फार है ना, दिल्ली दूर नहीं है, कौन कहा था, निजामुद्दीन औलिया भी कहे थे, ठीक है, और ये किताब का नाम है दिल्ली इज नॉट फार, तो ये कौन हो गया भाई राइटर, तो ये हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड, कौन हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले जी हैं, ज्योतिबा फूले को आप 1873 में सत्यशोधक समाज से ज़्यादा बेटर से पहचान पाओगे। वेटिंग फॉर वीजा थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये भीमराव अंबेडकर साहब की जो है आपका पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ क्रिकेटर सौरव गांगुली, ए लाइफ इज नॉट एनफ नेता नटवर सिंह का किताब है, तो ये दोनों एक जैसा मिलता जुलता है इसीलिए रख दिया हूँ एक साथ में। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला, इसे अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, और ये पूर्णतः विदेशी खिलाड़ी हैं, सॉरी विदेशी नागरिक हैं जिसे भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा गांधी नेल्सन नेल्सन और मंडेला गांधी पुरस्कार भी होता है, दलाई लामा को दिया गया है इसके नाम पे, दोनों को दोनों के नाम पे कंबाइंड वाला। इसके अलावा रोमियो और जूलियट, हेमलेट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक विलियम शेक्सपियर हैं, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, एंग
एंग्री रिवर, द ट्रू लवर, ये चारों पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रस्किन बॉन्ड साहब ही हो जाएंगे जो लिखे हैं दिल्ली इज नॉट फार। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रेन, सटनिक वर्सेज और विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी। बाद बाकी ज़्यादा बुक पे और अच्छे से कवर करने के लिए आप हमारे बुक वाला टॉपिक वाइज वीडियो के जो प्ले लिस्ट हैं उसमें जाके बुक वाला देख सकते हैं। इसके अलावा 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया था? बच्चे ने बैटरी देखा, वोल्टा की तरफ सोचने लगते हैं। अरे भाई बैटरी में देखो ना कौन सा बैटरी, अभी लिथियम बैटरी की बात हो रही है अभी, हालांकि इतने जो है मतलब तीव्र गति से नहीं ये चीज़ आया है, लेकिन आएगी और इसकी आ भी गए कहीं कहीं। तो 1912 में जो है परमाणु बैटरी, ये हेनरी मोसले ने इसको जो है आविष्कार किया था, ठीक है। रेडियम की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी। इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अति चालकता जो होता है ना, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, इसकी खोज केमरलिंस ओन्स के द्वारा किया गया था, केमरलिंस ओन्स के द्वारा। हाँ, जो इसके अलावा कोशिका की खोज है ये रॉबर्ट हुक ने किया था डेड सेल का 1665 में, और फिर ल्यूवेन हॉक ने 1674 में लाइव सेल की खोज करी थी। तो ये थे हमारे खोज वाला स्लाइड। इसके अलावा आदिवासी पर्व सम्मान 2023 किस राज्य में चलाया जा रहा है? आदिवासी ये पर्व इस प्रकार से नहीं, एक्चुअली इस प्रकार से है पर्व, है ना, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में आराम से आदिवासी पर्व सम्मान योजना। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ से भाई? छत्तीसगढ़ में। यह छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाली त्यौहार होता है उसमें आर्थिक मदद 10,000 रुपये की मदद दी जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री बाल योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, हमर बेटी हमर मान योजना, ये सब चलाए हैं छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मोघर योजना जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आवास योजना के जैसा ही है, है ना। उड़ीसा सरकार में मोघर योजना चलती है, इसे जरूर ध्यान रखें। मो मतलब मेरा होता होगा, कोई उड़िया भाई बंधु है तो बताइएगा मो मतलब क्या होता भाई। इसके अलावा प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कालीघाट मंदिर ये स्थित है भैया आपका कोलकाता के अंदर। कहाँ? कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अन्य मंदिरों में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर भी प्रमुख है। कोलकाता में गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के उपलक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। और आपने एक और सुना होगा कि मकर संक्रांति के ही अवसर पे, है ना, गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है, ठीक है भाई। और मोदी साहब भी पतंग उड़ाते हैं इसमें, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे पतंग महोत्सव किस त्योहार के उपलक्ष में। एक चीज और बता देता हूं भाई, चलो पोंगल, पोंगल के उपलक्ष में आपका जलीकट्टू होता है, जलीकट्टू, जलीकट्टू। और ये पोंगल क्या है? तो ये तमिलनाडु का मकर संक्रांति है, सिंपल सी बात है। लेकिन तमिलनाडु का ये मकर संक्रांति 4 दिनों तक चलती है, ठीक है भाई, पोंगल, है ना। इसके अलावा कोलकाता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। आज मैंने कोलकाता को इस वीडियो में टारगेट किया है, अधिकांश चीज बता दूंगा कोलकाता के बारे में। कोलकाता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज है, लॉर्ड वेलेस्ली ने बनवाया था। कौन बनवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली, है ना, ये सहायक संधि भी किए थे, है ना, तो यही बनवाए थे आपको कोलकाता में। क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज। देखिए सहायक संधि मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि सबसे पहले इंडिया में किसने किया, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी कोलकाता में हुआ था। इसका ट्रांसफर जो है 1937 में बंबई में करा गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ना, ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, ध्यान रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, तो इस भी अलग अलग होती है। कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन 1896 रहमतुल्ला सयानी अध्यक्षता कर रहे थे, और उसमें जो है सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, राष्ट्रीय गीत, तथा 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। कलकत्ता की ही बात हो रही है। 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो है अध्यक्षता संभाली थी। तो ये सभी कोलकाता का योगदान है आपका कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में हमारे स्वतंत्रता में, ठीक है, और अच्छे अच्छे चीजों को लॉन्च करने में। इसके अलावा कोलकाता में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा है, जो दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा है, बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। इसमें मेघना को भी ऐड कर सकते हैं, कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंडिया में जानते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसे कहते हैं। यहाँ मैंग्रोव इस प्रकार से लिखते हैं, मैंग्रोव प्रकार के जो हैं वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्या होती है? दलदली वाली वन होती है। मैंग्रोव वन के जो पेड़ पौधे होते हैं इनके क्या खासियत होते हैं? तो ऐसे पेड़ पौधे का जड़ से लेकर अधवेश तना तक जो है हमेशा पानी में डूबा रहता है। इसके अलावा मैंग्रोव वन को जो है ज्वारीय वन भी कहते हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में मिष्टी योजना मैंग्रोव हेड के बढ़ोतरी के लिए लॉन्च किया गया है। मैंने कल ही बताया था, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, साइंस तक जाऊंगा, बस सुनने की थोड़ी सी धैर्य होनी चाहिए, आपके काम के ही बात बताऊंगा भाई। इसके अलावा कोलकाता में हुगली नदी के तट पे 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी नहीं कि अंग्रेज की ये पहली फैक्ट्री थी, ये मतलब कोलकाता के लिहाज से ये पहली थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज ने जो है कारखाना जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ ये तो 1600 में हो गया, लेकिन ये फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, ये एक संघ थी। इसमें जो है अकबर का मतलब ऑर्डर लगा था, अकबर ने ऑर्डर दिया था, मतलब हाँ क्या बोलते हैं उसको, ऐसे हामी भरना, मतलब सुकृति देना, स्वीकृति, है ना। और फिर 1605 में अकबर मर गए, तो जब प्रथम फैक्ट्री वगैरह लग रहे थे तो उसमें जो है आपका सूरत में जहांगीर का जो है स्वीकृति लगा था, ठीक है। इसके अलावा कोलकाता में ही सबसे पहले जूट का मिल रिसरा में स्थापित किया गया। कभी कभी क्या होती है, बड़ी सिंपल चीज जो है मुंह में नहीं आता रहता। देखिए, स्वीकृति में 3 बार नहीं ला पाया। भुगतान शेष की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि के लिए ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मैंने आपसे पहले भी ये क्वेश्चन बता रखा है, मैं दूसरे रूप में इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब जो है अपने सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देना है तो IMF देता है, और दीर्घकालीन ऋण देना है तो WB देता है। अब सबको नहीं देता है, दुनिया में जितना देश है, लेकिन जो इनके सदस्य होते हैं ना उनको देता है। तो IMF हो गया, IMF हो चाहे विश्व बैंक हो, इन दोनों की स्थापना कब होती है? 1944 में एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है कि सर 1944 माने कि 1945, एक दो दिन पहले, जो बच्चे सुन रहे हो सुनिए, 1944 और 45 में किसको आंसर मारे? देखिए, अगर आपके ऑप्शन 1944 भी है, 1945 भी है, 1948 और फिर मेनी मोर 1949 मान लीजिए, तो आपने इधर 1944 को टिक करना है। लेकिन अगर ऊपर में ही स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए कि विश्व बैंक या IMF ने अपनी पूर्णतः कार्य कब से शुरू किया, तो फिर भाई 44 को छोड़ के 45 आंसर मारना, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई और 44 वाला ऑप्शन नहीं दिया, एगो 1950 बढ़ा देता हूँ, 4 गो हुआ, तो आपकी मजबूरी बन जाती है 1945 मारना, क्योंकि 1944 में जो है ये पूर्णतः कार्य स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन स्थापना 44 में ही मानी जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसा ऑप्शन रहेगा तो कैसा इसमें आंसर देना। इसके अलावा ये IMF हो चाहे ये विश्व बैंक हो, दोनों की स्थापना एक वो सम्मेलन के आधार पे हुआ है, इसका नाम है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन। क्या नाम है भाई? ब्रेडन वुड्स सम्मेलन। ये 1944 में, और दोनों का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC में है। अभी विश्व बैंक के अंदर जो है अजय सिंह बंगा साहब, है ना, विश्व बैंक जो ग्रुप है उनके जो है हेड है, कौन है? अजय सिंह बंगा। ये डेविड मालपास का स्थान लिए थे, है ना, डेविड मालपास। मालपास में जब भी बोलता हूं मुझे नाग फांस का याद आ जाता है, है ना भाई। तो ये डेविड मालपास का जगह लिया। विश्व बैंक में भारत के रंजीत सिंह दिसाले को शैक्षणिक सलाहकार के रूप में 2024 तक साइन किया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। रंजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक के अंदर भारतीय मूल के शैक्षणिक संस्था मतलब सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल में ही एक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय स्टेट को ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में पहला स्थान मिला, जो पर्यावरण से संबंधित परफॉर्मेंस होती है उसमें टॉप पे कौन सा स्थान है? तो तेलंगाना है। मैं तो इसे सबसे अमीर कहूंगा फिर, क्योंकि जो भाई नेचर के मामले में सबसे अमीर है तो वो सबसे अमीर है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे पानी खरीद रहे हो तो हवा भी खरीदोगे, है ना, खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये तेलंगाना को सबसे ज्यादा टॉप पे दिया गया है जगह। भारत में सबसे अधिक स्वच्छ शहर का दर्जा जो है इंदौर को, ये अपने आप में फेमस है। इनके अलावा नीति आयोग जो EPI इंडेक्स 2022 जारी किया है, तो इसके अनुसार तमिलनाडु पहले स्थान पे
है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। उसी अलग के अलावा जो नीति आयोग आपका जो है गरीबी वाला जो जारी किया है उसमें सबसे नीचे सबसे अधिक गरीब बिहार को बताया है, तो ये सब बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है, देखिए लोकसभा में जो अनुसूचित जाति सबसे पहले होता है आपका SC और अनुसूचित जनजाति होता है जी आपका ST, तो SC के लिए जो है 84 सीट है आरक्षित और ST के लिए लोकसभा में 47 सीट को आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं दादा, तो 20 सदस्य आते हैं। भारतीय संसद के अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा से संबंधित है। भारतीय संसद में निम्न सदन है लोकसभा, सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए आपका 50 वर्ष, लोकसभा की जो गणपूर्ति होती है उसके लिए कोरम कुल सदस्य का 10वां यानी 110 चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का जो मतलब बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन जो है आपको हल्का लगता होगा लेकिन एग्जाम में ये लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज तो और होता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री, तो ऐसे ही बन जाते होंगे जीत गया हो गया, नहीं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। इनके अलावा संसद के ज्वाइंट अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, स्पीकर, बुलाते कौन है प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल का इसमें जो है इस्तेमाल होता है, तो 108 आर्टिकल का। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, धन विधेयक का कौन सा आर्टिकल है भाई, 110 आर्टिकल है। इसके अलावा लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य कहां से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, ककलौता उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य लोकसभा में आते हैं और 31 सदस्य राज्यसभा में आते हैं इकलौता उत्तर प्रदेश से। बिहार से बात करेंगे तो लोकसभा में 40 सीट बिहार का है और 16 सीट राज्यसभा में है बिहार का, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का, लेकिन विषम परिस्थितियों में समय से पूर्व से राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है आर्टिकल 85 का प्रयोग करके। इसके अलावा 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुसार लोकसभा और राज्यसभा और ये राज्य के जो विधानसभा है वहां पे सीटों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी 2026 तक, जितना है उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। इसके अलावा ड्राइव स्पिन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, देखिए अगर ड्राइव इकलौता होता, ड्राइव इकलौता होता, इसके अलावा स्पिन भी इकलौता होता, तब तो हम क्रिकेट लगा देते, क्रिकेट के जितना शब्दावली और किसी खेल में नहीं होगा मेरे समझ से, ठीक है। तो ड्राइव करता है लोग, बल्ला भांजता है जाता है एकदम, है ना। इसके अलावा स्पिन मतलब हल्का जो बॉल होता है कम स्पीड में फेंका गया, स्पिनर जिसके बॉल घूमते रहते हैं टर्न करते रहते हैं उसे स्पिनर बोलते हैं, स्पिन मतलब घूमना होता है ना, तो ये क्रिकेट से होता है, लेकिन ये टेबल टेनिस है, ड्राइव स्पिन एक ही साथ है, ठीक है, तो ये टेबल टेनिस से है ना। देखिए बच्चे ना गलतियां कहां करती है, अगर यही क्वेश्चन आप आज से पहले अगर आपके सामने एग्जाम में आता, विश्वास मानिए जो बच्चे मेरे साथ है ना उसमें से भी मान लीजिए 80% बच्चा क्रिकेट लगा देता ड्राइव स्पिन देख के, लेकिन ये नहीं देखता कि इसके बीच में ये एक ही साथ लिखा गया है, एक ही साथ लिखा गया है। एग्जामिनर आप पे थोड़ा सा और रहम करेगा तो इसके बीच में एक ऐसा छोटा सा लाइन दे देगा, है ना, या फिर और रहम करेगा तो इसको कोस्ट में एक साथ बंद करेगा, तब भी आपको जो है थोड़ा सा हिंट देता है कि सोचिए ये चीज क्रिकेट से नहीं है, ये अलग है, है ना। तो यहाँ पे टेबल टेनिस। इसके अलावा लेट सर्विस वॉली हाफ वॉली बैक हैंड है, ठीक है, ये टेबल टेनिस से ही संबंधित है। इसके अलावा स्वेथलिन और कार्बिलोन कप मैंने आपको बताया है, एगो महिला से एगो पुरुष टेबल टेनिस से है। अंडर हेड ओवर हेड ड्रिबलिंग फास्ट ब्रेक हेड बॉल, ये सभी के सभी बास्केटबॉल से संबंधित खेल की शब्दावली है, ठीक है। ड्रिबलिंग एक से अधिक खेल के लिए भी होती है। इसके अलावा जो ड्यूस शब्द है ड्यूस, ये भी एक से अधिक खेल के में जो है इस्तेमाल होता है। टेबल टेनिस में आयताकार टेबल की लंबाई 2.74 मीटर और चौड़ाई 1.53 मीटर होता है। बास्केटबॉल में 18 मीटर लंबाई होता है और 15 मीटर चौड़ाई होता है। ध्यान दीजिएगा वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो महिला वाला 2.24 मीटर और पुरुष वाला 2.43 मीटर नेट की ऊंचाई होती है वॉलीबॉल में, ठीक है। यहाँ पे आपके बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं,
वॉलीबॉल में हमने कहा जी 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं आगे। अगला हमारा, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है जी आपका लियोनल मेसी। लियोनल मेसी को आप सभी जानते हैं, है ना। इनके अलावा हाल में ही जर्मन शांति प्राइज 2023 से भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंसी रखता है। सलमान रुश्दी की किताब ही इम्पोर्टेंसी रखता है, और उनको में भी अवार्ड मिल गया तब तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके अलावा नोबेल पुरस्कार के 3 सेक्टर जरूर याद रखना मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, है ना भाई। देखिए ये जो 3-3 आदमी है ना, तो इसमें क्या है, आपको पकड़ने के लिए क्लू रहता है कि 4 नाम दे देगा और एक पूछेगा कि इनमें से किसे इस सेक्टर में, अमुक सेक्टर में नहीं मिला है। तो आप इसमें से जो है एक आध बार देखेंगे तो आपको ये तीनों में से एक आध ऐसा अटपटा लगेगा कि भाई इसमें तो ये नहीं आता है। तो ये सब याद करना थोड़ा ईजी हो जाता है, और क्लू ऑप्शन छांट के बनाना भी ईजी हो जाता है। ठीक है, भले 3 याद करना हो लेकिन ईजी होता है। एग्जाम के पर्पज से सोचिए इसको, जब आप 4 ऑप्शन में से छांटेंगे, और या फिर रहता है कि 3 नाम दे देगा, ऊपर से बोलेगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी वाला फिक्स रहता है लगभग, है ना। लेकिन जो सिंगल सिंगल रहता है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, और आदमी ज्यादा यही पूछे जाते हैं और आदमी भूल भी जाता है। तो जरूर याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्र में क्लॉडिया गोल्डिन यूएसए के हैं। मैंने इसे याद रखने के लिए बताया था कि यूएसए में बहुत पैसा भैया, तो ये यूएसए के हैं। जॉन फासे, ये आपका कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, इसको मिला है साहित्य में। और नरगिस मोहम्मदी, ये आपका ईरान के हैं, तो इनको भी मिले हैं, ठीक है, साहित्य में। तो ये सभी माफ कीजिएगा शांति में, तो इन तीनों को जरूर ध्यान रखें विशेष रूप से। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर महीना में भारत के किस तट पे भारी वर्षा होती है? तो भाई कोरोमंडल तट पे जो है भारत में वर्षा होती है, खास करके चेन्नई के आसपास अक्टूबर और नवंबर महीना में। जो उत्तरी व्यापारिक पवने हैं ना, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जगह घेरने लगता है, जिस कारण नमी बन जाती है उस इलाका में, और आपका जो है वर्षा होती है ये वाली पोर्शन में चेन्नई के पास। ठीक है मेरे भाई, तो इसे कोरोमंडल तट कहेंगे क्योंकि ये इस वाली तट में आ जाता है। ये हरा लाइन आपको दिख रहा होगा, ये कोरोमंडल को इंगित करता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका यहां पे आप देख सकते हैं कि ये काठियावाड़ी गुजरात वाले पोस्ट में, फिर ये जो है पश्चिमी घाट के उत्तर दिशा में थोड़ा सा गोवा वाले रेंज में कोंकण तट है, फिर इसके आगे केनरा तट है, और केरल के सामने के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो ये तट जरूर ध्यान रखें। बाद बाकी जो इस साइड में है ये पश्चिमी घाट कहलाते हैं, जो इस साइड में है ये पूर्वी घाट कहलाते हैं, और यहां पे जो मिल जाती है दोनों का मिलन कहलाती है, नीलगिरी पहाड़ी कहलाती है, तमिलनाडु कहलाती है। ठीक है भाई, इसके अलावा ये पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है। ये क्या है, घाट है क्या, क्या है बताइएगा जरा, पश्चिमी घाट क्या है? ठीक है मेरे भाई, मैं बता दूं, पश्चिमी घाट जो है इंडिया के सबसे हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, बहुत सारे नदियां यहां से निकलती है, अब तो समझ गए होंगे क्या है, है ना। इनके अलावा शीतकाल में देखिए पंजाब में वर्षा होती है, ये फिक्स टाइम के देव रखा है कि अक्टूबर नवंबर में महीना होता है, और ये जो शीतकाल में वर्षा होती है ये थोड़ा और आगे टपा दीजिए, जनवरी उनवरी के बाद रखिए, ठीक है, लेकिन शीतकाल ही रहता है उस समय भी। तो यहाँ पे वर्षा होती है आपके पंजाब में, कहाँ पर होती है, पंजाब और हरियाणा में, है ना, पंजाब और हरियाणा में ये वर्षा होती है, और ये रबी के फसल जो भी होते हैं, गेहूँ जौ मसूर वगैरह, उनको फायदा पहुँचाता है। और ये वर्षा क्यों होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ का ओरिजिन कहां होता है, भूमध्य सागर, अंध महासागर भी हो सकता है कई महीनों में पश्चिमी विक्षोभ का कारण, है ना। इनके अलावा अंध महासागर अटलांटिक को ही बोलते हैं भाई। इसके अलावा लूसी भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है, लूसी, है ना, लूसी, वो लासे फेर आपने सुना होगा अर्थव्यवस्था में, यहां भाषा है लूसी, है ना, तो ये मिजोरम में बोली जाती है। एक निसी भाषा है, ये पूछा भी गया है सीजीएल में, निसी भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। एक मीति भाषा है, देखिए मीटी लिखा गया, मैं इसे मीति करूंगा इस प्रकार से, मीति भाषा, मीति भाषा मणिपुर में बोली जाती है। कोक बरोक भाषा, ये एक से अधिक जगह बोली जाती है लेकिन त्रिपुरा में सबसे अधिक। इसके अलावा ये असम में भी बोली जाती है आपका कोक बरोक भाषा। गालो भाषा, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। मुंडारी भाषा, ये छत्तीसगढ़ में कोरवा समुदाय के जो जनजाति लोग होते हैं उनके द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है, है
है ना। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा जनगणना 2011 में डिटेक्ट किया गया कि बोला जाता है भाई, तो हिंदी दूसरा स्थान पे है, बंगाली, और तीसरा स्थान पे मराठी 2011 के अनुसार। चीन में सबसे अधिक मंदारिन भाषा बोले जाते हैं चाइनीज, नेपाल में नेपाली, भूटान में जोंगखा, अफगानिस्तान में दारी या पश्तो, श्रीलंका में सिंघली या तमिल, बर्मा में बर्मी, मालदीव में दिवेही। ये सभी के सभी आपके पड़ोसी देशों की भाषा है, और अपने घर की भी जो भाषा अलग अलग बोली जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में विविधताओं की कमी नहीं है। आप 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, टोन में आपको फर्क आ जाता है। तो इस प्रकार से कुछ रीजनल, कुछ क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो भाषा बोले जाने लगा वो फेमस हो गया, ताकि आपकी एग्जाम में आ जाता है, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये भाषा वाला स्लाइड था। इसके बाद क्लासिकल भाषा बता ही दिए हैं कि साउथ का चारों, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी संस्कृत, और भाषा का मुख्यालय है मैसूर में। इसके अलावा बैसाख पोया नामक प्रसिद्ध त्यौहार किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन 2018 में आया था, ठीक है। ये बैसाख पोया है, ये बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। बैसाख पोया, बैसाख पोया किस महीने में मनाया जाता है, तो बताइएगा, फिक्स महीना है मई महीना में, पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा पर्युषण त्यौहार, ये जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है भाद्रपद के समय। लोसार त्यौहार, ये मोनपा जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है लोसार। इसके अलावा नवरोज त्यौहार, ये फारसी धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत करने का श्रेय गुलाम वंशीय शासक नसरुद्दीन बलबन को दिया जाता है। ईस्टर और पपेटी त्यौहार, देखिए एक ईस्टर है और एक आपका पपेटी त्यौहार है, ये दोनों त्यौहार ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें जो ये ईस्टर त्यौहार है ना, ये बताता है कि जो जब ईसा मसीह का जो जब सूली पर चढ़ गया था ना, तो उसके पुनः उत्थान या फिर पुनः आएंगे, इस उद्देश्य से ये मनाया जाता है ईस्टर वाला, ठीक है। इसके अलावा जो इस धर्म से जुड़े हैं इसको बेहतर धर्म जानते होंगे भाई। इसके अलावा मिलाद उन नबी त्यौहार इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये सब कुछ त्यौहार हैं जिसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक हेलोवियन त्यौहार होता है यूरोपियन कंट्री में, भूतिया त्यौहार, वो भी मनाया जाता है हेलोवियन। इसके अलावा भारत में परिवार नियोजन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, परिवार नियोजन आप सभी जानते हैं क्या होता है, है ना। तो ये 1952 में शुरू किया गया था, लेकिन इसमें जो है कितना सफल हुए हम, ये तो इसकी नतीजा 142.8 करोड़ है ही, है ना, 142.8 CR है हम जनसंख्या भैया वर्तमान में UNO की रिपोर्ट के अनुसार। अभी जनगणना 2011 का डाटा आना बाकी है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इतना दूर से इतना गिन लिया तो हम तो यहीं रह के गिनेंगे। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में। इसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, इसमें कई बार मॉडिफिकेशन किया गया है, हाल फिलहाल में 2007 में भी इस पे जो है इसमें चेंजेस वगैरह किए गए हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 विद्यासागर साहब के प्रयास से, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861, है ना, महादेव गोविंद रानाडे के प्रयास से, नई आर्थिक उदार नीति जो है 1991, तीन चीज उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो ये सब थोड़ा सा जो था आपका ईस्वी से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज। 1833 में बनाए गए मुद्रा भवन करेंसी बिल्डिंग जो है ये किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछता है, है ना। करेंसी बिल्डिंग कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मुद्रा भवन भी कहते हैं, है ना। तो ये जो करेंसी है ये आपका कोलकाता के अंदर स्थित है, कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर स्थित है, है ना। कोलकाता में लॉर्ड बेलिजली के द्वारा फोर्ट विलियम, अभी मैंने बताया था, और सहायक संधि का इसको रिलेट भी किया था, और डुपले को भी बताया था। चलते हैं आगे। कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा 1825 में वेदांतम कॉलेज की स्थापना भी की गई। राजा राम मोहन राय के जितना बताऊं कम है, 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज, 1817 में हिंदू कॉलेज, संवाद कौमोदी पत्रिका, मीरात उल अखबार, भारत का जनक, भारत का अग्रदूत, सती प्रथा के अंत करने में विलियम बेंटिक को प्रोत्साहित करना, ये सभी के सभी राजा राम मोहन राय के कृतियों में से हैं। तो इनके बहुत कम होंगे जितनी भी बड़ाई करें। एशियाटिक सोसाइटी, इसके फाउंडर सर विलियम जोन्स है, इसकी स्थापना कोलकाता में हुआ था, इसके कई जगह ब्रांचेस भी है, मुंबई वगैरह में है। तो ये जो है मेन रूप से क्या आप काम करता है, तो ये एक जो है धरोहर, आप क्या कह सकते हो भाई, पुस्तकालय कह सकते हो, लाइब्रेरी टाइप से ये है ना, पुस्तकालय कह सकते हैं इसको। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने और किस लिए, किसने और कब, किसने और किस लिए था क्या, हाँ किसने और किस लिए किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किए थे दलित लोगों के लिए। इनके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अंबेडकर ने 1923 में करा था। 1927 में भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर साहब लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930
1931 और 1932 में भाग लिए थे। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने है ना 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता गांधी जी के साथ किए थे और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होती है। ये इसमें लिखने का यही कारण है कि ये डायरेक्ट आपको जो है डेट के साथ पूछता है कि गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था। कई बार हमने क्वेश्चन देखा है 1931 तो सभी याद रखते हैं, आप 5 मार्च 1931 ही याद रखिएगा। इसके अलावा वेटिंग फॉर वीजा भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है, जैसा कि ये कल या परसों आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। कुमाऊं हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए कुमाऊं हिमालय की पहली सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी कमेत है। कुमाऊं हिमालय कहां से कहां तक? सतलज से काली नदी के बीच में आएगा। ये जो भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे तो हिमालय का दूसरा पार्ट है पंजाब हिमालय के बाद, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में, सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से फिर काली आएगा तो ये आपका जो है कुमाऊं हिमालय, काली से जो आपका तीस्ता आएगा तो नेपाल हिमालय, और तीस्ता से देहांग आएगा तो ये असम हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और ये पंजाब हिमालय। तो ये 4 भागों में है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा हिमालय की थोड़ी सी गुणगान करते हैं, है ना। हिमालय क्या है भाई? नवीन बलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। मैंने 4 टॉप चोटी बता दिया है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लाओत्से, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कहेंगे 8850 मीटर होती है ना। इसके अलावा केटी का, K2 का 8611 और आपका जो है कंचनजंगा का हो जाता है 8586। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा कहते हैं। हिमालय का निर्माण इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ और जहां आज हिमालय है, पहले कभी जमाने में टेथीज सागर हुआ करता था। सप्तर्षि नक्षत्र को पश्चिमी जो कंट्री है वहां पे किस नाम से जानते हैं? तो इसे बिग डीपर कहते हैं, बिग डीपर। इसके अलावा आपने बड़े बड़े ट्रक के पीछे लिखा हुआ जरूर देखा होगा, यूज डीपर एट नाइट, रात में डीपर का प्रयोग करें, ठीक है भाई। तो यहां पे जो है बिग डीपर सप्तर्षि को कहा गया है। द ग्रेट बियर के नाम से उर्सा मेजर को जानते हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी तारामंडल ज्ञात हाइड्रा है। ब्रह्मांड में टोटल 88 तारामंडल है। सूर्य खुद एक तारा है। सूर्य क्या है? खुद एक तारा है जिसके अंदर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। और संलयन अभिक्रिया और विखंडन अभिक्रिया क्या होता है बता चुके हैं, नाम से भी स्पष्ट है। इसके अलावा पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कहेगा तो सूर्य होगा, और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा सूर्य के बाद तब प्रैक्सिमा सेंचुरी होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 × 46 भी कर लीजिएगा, 9.46 × 10^12 किलोमीटर या 15 मीटर कह सकते हो, क्योंकि किलोमीटर में बदलेगा तो 3 हट जाएगा, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। इसके अलावा खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक होती है, है ना। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो है पारसेक होती है। आप देख रहे हैं कि लाइट ईयर अपने आप में ही इतनी बड़ी आंकड़ा है, और इसको भी जो है 3.26 से गुना करेंगे तो इतना एक पारसेक का वैल्यू आता है। इसके अलावा सूर्य से की प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है, 8.2 मिनट आप कह देते हो, 8×48 = 20 सेकेंड बच जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये पलायन वेग क्या होता है? इसके तेज रफ्तार से कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंको नीचा कभी नहीं गिरेगा, लेकिन इतना फेंक ही नहीं सकते हम, है ना। एक बुमराह है 140-145 फेंक देता है किलोमीटर बॉल। सौर मंडल के सभी ग्रह के बारे में हमने पहले ही बता दिया, पिछला क्लास देखिए या पीडीएफ देखिए, नहीं तो हम सौर मंडल को डिस्कस करते। लाल पीला हरा ग्रह, छोटा बड़ा पार्थिव जोवियन ग्रह, सबसे तीव्र कौन है, सबसे ज्यादा लेट सुस्त कौन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य 51A के अनुच्छेद के तहत किस भाग में यह वर्णन है कि अहिंसा तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना? देखिए जो अहिंसा है तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है यह आर्टिकल 51A के I में दिया गया है, है ना। और यहां से आजकल क्या ट्रेंड चल रही है पता नहीं, हर एग्जाम में मैंने MTS देखा, CGL देखा, CHSL देखा, इसके अलावा मैंने फिर CGL का मेंस देखा, फिर मैं अभी दिल्ली
क्विज देख रहा हूँ, ये हर जगह ये इस वाले स्लाइड से जो है क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो आप लोग मेरे भाई मेरे बंधु जिनके पास पीडीएफ है ये जरूर देख लीजिए, है ना भैया, जरूर देख लीजिए एक एक। चलते हैं आगे, आपके जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो इसे हम थोड़ा सा सही कर लेंगे। अहिंसा नहीं, हिंसा से दूर रहना भाई, अहिंसा में तो आना ही है हम सबको, ठीक है, हिंसा से दूर रहना। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक सेक्टर निजी क्षेत्र को वरीयता दी गई, यानी आप कह सकते हो कि जो सरकारी चीज है उसमें प्राइवेट आदमी को एंट्री कब मिली थी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1985-1990 में, ठीक है। ये राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के काल में ये सब प्रचलन चालू था। आज तो बहुत सारे चीज प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण तथा रोजगार की संभावनाएं, है ना, और तकनीकी माध्यम का विकास करना। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग करता था, टोटल 12 बनाए, अंतिम का अवधि 2012 से 2017 रहा था, बीच में टर्मिनेट होकर नीति आयोग आ गए। नई आर्थिक नीति 1991 में तीन चीज पे बल दिया गया, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। उस समय जो है 91 में पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था। रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग जो है आपका बंगाल विभाजन को निरस्त करवाए थे। रॉयल कमीशन जो सिविल सेवा पे आधारित था 1912 में गठित किए गए थे। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 बंगाल विभाजन जो 1905 में कर्जन के द्वारा लागू करवाया गया था को निरस्त किया गया। इसके अलावा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, है ना, ये लीटन के समय आया था। आर्म्स एक्ट भी सेम, है ना, और इसे रिपन समाप्त किया था, ध्यान रखेंगे, रिपन के समय लगातार जनगणना भी हुआ था 10 वर्षों पे। भारत छोड़ो आंदोलन के वायसराय कौन है, लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 रिपन के समय ही बना था। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस ने लगाया था, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पूछता है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस ने कहाँ लगाया था, तो बंगाल में। 1853 में पहला रेल डलहौजी ने चलाया था, और राज हड़प नीति भी डलहौजी ने ही चलाया था। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश, सोन भी निकलती है यहाँ से, सोन जाके गंगा में जा मिलती है बिहार में, और ये पश्चिम में आ जाती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, यह मुहाना का निर्माण करती है, एक्सचेंजी का निर्माण करती है, इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा इस पर स्थित जो परियोजना है, नर्मदा सागर बांध परियोजना है, इसके अलावा जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, इंदिरा सागर बांध परियोजना भी लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, इंदिरा सागर बांध परियोजना भी इस पे है, इंदिरा सागर बांध परियोजना। और जवाहर सागर जो है और गांधी सागर जो है ये चंबल नदी पे है, ठीक है, तो ये अलग से रखिएगा याद। इसके अलावा कर्तनिया घाट वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्तनीय घाट, तो ये कर्तनीय घाट वन जीव अभयारण्य आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अन्य नेशनल पार्क में आएंगे तो हमारा चंबल हो जाएगा, इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। देखिए चंद्रप्रभा नदी भी है साउथ में, चंद्रप्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कान्हा, इसके अलावा बांधवगढ़, सतपुरा, माधव, एक लिख लीजिएगा संजय, है ना, संजय, ये सभी के सभी जो है मध्य प्रदेश के, लेकिन मैंने बताया था संजय इसलिए नहीं लिखा हूँ कन्फ्यूज ना हो जाए। संजय गांधी एक है वो जो है महाराष्ट्र में है, और खाली संजय नेशनल पार्क कहेगा तो मध्य प्रदेश होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान और बंसदा ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर स्थित है। गिर किस लिए प्रसिद्ध है कल बताया था, आप लोग मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एशियाई शेर पहला ऑप्शन, दूसरा स्नो लियोपर्ड्स दूसरा ऑप्शन, तीसरा रॉयल बंगाल टाइगर तीसरा ऑप्शन, चौथा मंगूस, है ना, तो ये चार गो ऑप्शन है, बताइएगा कि क्या होगा। इसके अलावा सिमलीपाल, सतकोसिया, भीतर कनिका, ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। असम का सब बता ही दिए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध रचना का डिजाइन किसने किया था, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिजाइन है ये जॉर्ज बिटेट ने बनाया है, और ये 10 बार करीब 2 साल के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। इनके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में करवाया गया था मुंबई के अंदर, अब ये नहीं कि निर्माण 1911 में बनने के तैयार हो गया था, जी नहीं जी, मतलब स्थापना वो बनना शुरू इस प्रकार से ना। इसके अलावा इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन के जो
वास्तुकार है एडमंड लुइंटियस है। इसके अलावा नई संसद भवन का जो डिजाइनकार है ये बिमल पटेल है। राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहे हैं इनके भी जो डिजाइन करता है या फिर जो आप कहिए वास्तुकार, तो ये चंद्रकांत सोमपुरा है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे जो PDF स्कीम देखे वीडियो के टॉप में, तो उसमें से अब आपको कोई भी PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या फिर 9393 है ना 7269322 इस नंबर पे जो है आपको कर देना है व्हाट्सअप मैसेज, आपको PDF संबंधी जानकारी दे दी जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।